Trustee Amrita Bari, to please come forward. She will be speaking in Hindi for 30 minutes and her topic is Humility, Key of Transformation by Spiritual Sadhana. And she comes from Negri. She's a member of the study class at Negri. Hello. Good morning to all of you. Actually, today is a Sunday. And today is Sunday morning, is not a meeting. Actually, it's a fact. Normally, जब घर में होते तो संडे की शुरुआत बहुत अलग तरह से होती है. So, अगर ह्यूमिलिटी के साथ आज संडे की शुरुआत, I'm feeling very great. Because हम शरीर के लिए कहते हैं कि सुबह का ब्रेकफास्ट हेल्दी होना चाहिए, तो आपका दिन पूरा अच्छा जाता है. तो अगर संडे की शुरुआत अगर इस तरह से स्पिरिचुअल के साथ और लाइक आपके जैसे महान लोगों के साथ, सो इट्स अ रियली ग्रेट फीलिंग. ग्रेट. ओके, बिफोर आई टेल दिस टॉपिक आई हैव टू टेल दैट व्हाई आई हैव चोजन दिस टॉपिक. बिकॉज नॉर्मली वी बॉर्न इन इंडिया, भारत में. अभी उसका भारत का नाम इंडिया के जो डिफरेंट टॉपिक हो सकता है वो, लेकिन भारत, यू नो द ग्रेटनेस ऑफ भारत, वी आर ब्लेस्ड विद एम्पर ब्यूटी. क्या नहीं था हमारे भारत के पास, बहुत सारी, बहुत क्या क्या नहीं था. मतलब जैसे कहते थे कि दूध की नदियाँ बहती थी एंड ऑल द स्क्रिप्चर्स ऑफ वर्ल्ड. सो फिर भी आज भारत को क्यों ऐसे गरीबों का देश कहा जाता है. तो लास्ट मुझे ये क्वेश्चन हमेशा रहता था कि भारत को संतों की भूमि कहा जाता है, मतलब महान लोगों की भूमि कहा जाता है. इवन फॉरेनर्स तो उनका भी भारत का इन्फ्लुएंस है, फिर भी भारत में ऐसा क्या अभी चेंज हो गया है. तो ऐसा तो नहीं, हमेशा वो क्वेश्चन मेरे माइंड में रहता था. लास्ट ईयर आई विजिटेड टू यूरोप, इट वाज अ फैमिली टूर टू बी अराउंड ऑलमोस्ट 8 कंट्रीज. सो जब अभी भारत को विकसित देश नहीं कहा जाता, विकसित देश विकसित देश के इसमें है, तो वहाँ पे हमने जो देखा कि वहाँ पे जो प्रोग्रेस वहाँ की है वो तो है ही, लेकिन जब दिन दिन कंट्रीज में हम गए वहाँ पे मैंने देखा कि लोगों को बात करने का तरीका, आप उनको जानते हो नहीं जानते हो, फिर भी दे विल सी यू एंड स्माइल एट यू, ऑलवेज सेड थैंक यू एंड और जैसे कि आपको ट्रेन में अगर जा रहे हो और आपको आप खड़े हो और वो लोग बैठे, तो आपको वो खड़े होकर आपको सीट देंगे. सो व्हाट इज दैट, कि वो ऐसा क्यों कर रहे हो. मतलब कहीं ये तो कारण नहीं कि वो लोग का इतना प्रोग्रेस, क्योंकि हम लास्ट टाइम मैंने एक मैसेज में एक एग्जाम्पल भी पढ़ा था कि जापान जैसे हम करते थे, जापान इज अ फर्स्ट कंट्री ऑफ टेक्नोलॉजी में. तो वहाँ पर आई थिंक जब नॉर्मल ट्रैवलर है, नॉर्मल कॉमन मैन, कि वो जब सीट देखता है ट्रेन में फटी हुई, तो वो घर से फिर स्वीकर ला के उसको सीखता है. तो नॉर्मल इंडिया में ऐसा नहीं होता, अगर फटी सीट देखते तो उसको और भी फाड़ देते हैं. सो तो आई फाउंड कि ऐसा तो नहीं, कि क्या है जो ह्यूमिलिटी में भी इज द फैक्टर, कि जो चेंज हो गया है अभी, क्योंकि हम भारत में देखते कि ह्यूमिलिटी की कमी नहीं है. अगर तो क्या ऐसा है कि जो इस भारत को इस तरह से लोग अभी भी, मतलब ये कहा जाता है अभी भी इवन टैलेंट इंडिया में बहुत है, फिर भी प्रोग्रेस वहाँ पे क्यों ज़्यादा है. तो तब मुझे ऐसे माइंड में आया कि ह्यूमिलिटी हो सकता है कैसे. सो एक्चुअली आई वांट टू टेल यू दैट अभी मैंने कोई भी स्क्रिप्चर नहीं पढ़ा है ज़्यादा, कोई भी बताया, आई डिडंट गो इन स्टडी इन डीपर. सो आई वांट टू टेल की सो तो देन आई हैव चोजन दैट टॉपिक की ह्यूमिलिटी. थोड़ा सा तो थोड़ा सा इसमें डीप में जाने की कोशिश की, नॉट एक्जैक्टली डीप में, बट देन आई थॉट कि व्हेन आई वेंट टू बिना टाइम एंड आई स्टार्टेड स्टडी ऑफ गीता. सो इन दैट गीता एक्चुअली यू नो गीता, श्रीमद भगवद गीता को शास्त्र में श्रोमणी कहा जाता है. जितने भी बड़े महान लोग हुए हैं उन सबके गीता का इन्फ्लुएंस है. स्वामी विवेकानंद लीजिए, गौतम बुद्ध लीजिए, इवन रविंद्रनाथ टैगोर, इवन आइंस्टाइन भी. और सो गीता का जो ज्ञान है वो सही में इतना पावरफुल है,
अगति चक्र में आठवां जो श्लोक है, आठवें श्लोक से बारहवें श्लोक तक जो नॉलेज की जो 20 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी, उसमें से ह्यूमिलिटी इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। ये जब स्पिरिचुअलिटी फर्स्ट, नॉलेज इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्पिरिचुअलिटी, लेकिन वो नॉलेज भी लेने के लिए आपको चाहिए क्या, कौन से गुण होने चाहिए, तो उसमें ह्यूमिलिटी इज द फर्स्ट। आप देखते हैं क्योंकि जो भी डिवाइन लोग होते हैं उनके बातों में एक नम्रता होती है। जैसे ह्यूमिलिटी का लिटरली मीनिंग ऑफ द ह्यूमिलिटी इज नम्रता, बीइंग अ क्वालिटी ऑफ हम्बलनेस, नम्रता, एंड संस्कृत में अमानित्व कहा जाता है। सो वो क्वालिटी बताई थी, कहते हैं कि ह्यूमिलिटी इज द वर्चू ऑफ ग्रेट वन। जितने भी महान लोग हुए, आप उनका अगर बायोग्राफी उनकी ऑटोग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें आपको देखा कि नम्रता उनका सबसे बड़ा गुण होता है, उनका बात करने का तरीका। ओके, अब लिटरल ये तो मतलब इसका लिटरल मीनिंग की नम्रता से बात करना, बट ह्यूमिलिटी डजंट मीन ओनली कि आप सिर्फ किसी से नम्रता से या प्यार से बात करते हो तो ये वो ह्यूमिलिटी हो जाती है। बिकॉज समटाइम वी यूज फॉल्स ह्यूमिलिटी ऑल्सो। अभी हमारे घर में मेहमान आते हैं जो उनको पसंद नहीं होते, कहते हैं हाँ नाइस टू मीट यू, सामने से कैसे होता है लेकिन अंदर से कहाँ आ गया अभी है मुझे। सो इट्स नॉट अ ह्यूमिलिटी लाइक दिस। अगर सपोज फाइल से आपका आप चेंज योर पोस्चर, आई डोंट लाइक बिकॉज आई गेट इरिटेड, सो इट्स नॉट अ ह्यूमिलिटी। अगर मैं आपको कहती हूँ कि नहीं ये पोस्चर आपके लिए ठीक नहीं, आप इस तरह से बिल्कुल तो यू गेट बेनिफिट ऑफ दैट। सो अगर हम किसी के बेनिफिट के लिए कोई बात बोलते हैं तो दैट विल बी ऑल्सो ह्यूमिलिटी। ओके, सो जैसे अभी भगवान राम, रामायण में हमने देखा है कि भगवान राम, रामाज लाइफ ऑफ डिजास्टर एक्चुअली, बिकॉज स्टार्टिंग उनकी लाइफ में कितने सारे स्टेजेस आते हैं, बट बिकॉज ऑफ दिस क्वालिटी ऑफ ह्यूमिलिटी, और जब कहीं भी हमने नहीं देखा कि उनका जो वो अपना पेशेंस खोते हैं, ऐसा कहीं भी नहीं होता है। और उसके आगे जो तो रावण, रावण में क्या था कि ईगो, ईगो, सो ह्यूमिलिटी, ईगो इज अ प्रोसेस ऑफ ह्यूमिलिटी, फॉल्स प्राइड। तो बिकॉज उसी के एक बाबुन की वजह से उसके रावण की हार हुई थी, अदरवाइज रावण का थोड़ा सा उसने भी बहुत सारा पढ़ाई की थी इसकी वेदों की वगैरह। सो वी कैन सी द एंड एग्जाम्पल ऑफ हनुमान ऑल्सो, हनुमान राम भगवान के लिए सब कुछ कर सकता है लेकिन उनका ह्यूमिलिटी उनके सामने की नहीं, जो भी क्या है भगवान श्री राम का ही है। सो वी कैन सी द एग्जाम्पल्स, अगर हम हमारे हिस्ट्री में सब एग्जाम्पल्स देखते हैं तो वी कैन सी कि कितने सारे हमको एग्जाम्पल्स मिलेंगे अबाउट ह्यूमिलिटी, कि जितने भी ग्रेट लोग हुए हैं उनकी लाइफ में ह्यूमिलिटी का क्या महत्व था। ओके, सो एसवी वी हैड सीन मूवी 20 मिनट्स मूवी, सो दैट ऑल्सो बी आई हैव यूज इट एज एग्जाम्पल इन दिस ऑल्सो, कि जो दो भाई थे, अभी इंडिया भारत में क्या हो कि भाई भाई में भी प्रेम नहीं रहा, जो पीते लोग तो और जो ऊपर ऊपर से भी मतलब ग्रीटिंग्स करते एक दूसरे को, लेकिन पता नहीं अंदर से इतना ये होता ही है नॉट नेसेसरी। सो लास्ट यस्टरडे वी हैड सीन दैट मूवी, कि जब वो पहले जो मिलते हैं तो उनको एक दूसरे के सामने क्रोध नहीं आते, तो दे बिगिन बिकम एनिमी ऑफ ईच अदर्स, बट जब वो ह्यूमिलिटी से बात करते एक दूसरे का, मे बी दैट टाइम दे हैड अ फॉल्स ह्यूमिलिटी इन देयर माइंड, बट आफ्टर गेटिंग दैट नॉलेज, वो नॉलेज तो दोनों ही लेते बट दैट टाइम ह्यूमिलिटी नहीं होती उनके अंदर। सो व्हेन दे गेट ह्यूमिलिटी इन दैट एंड दे हैड ऑलरेडी नॉलेज ऑफ दैट, दे वेंट गेट स्टडीज वेदांत ऑल दिस थिंग एंड दे गेट, व्हेन दे गेट रियल ह्यूमिलिटी इन दैट दे बिकम, दोनों का ही कल्याण होता है उसमें। लास्ट में हमने देखा कि दोनों का भी कल्याण होता है। सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमिलिटी। देन वी कैन से देयर इज वन स्टोरी, वो एक राजा था चोलन नाम का, तो वो राजा जब उनके राज्य में एक मंदिर, भगवान शिव का मंदिर बनाने जा रहे थे, तो उनका जो मुख्य मंदिर बनाने वाला जो ये था उसको सुपारी खाने की आदत थी, मेटल नट, और वो उसको थूकने की आदत थी, वो ऊपर चढ़ता था तो उसको थूकने के लिए वो स्पिटून चाहिए होता था, तो और पकड़ने के लिए एक आदमी हमेशा रहता था उसके पास। तो एक दिन ऐसा हुआ कि राजा वहाँ से पास हो रहा था और उनको उसको थूकना था वो, लेकिन उसका जो पकड़ने स्पिटून पकड़ने वाला आदमी था वो नहीं आया था, तो राजा ने देखा कि इसको थूकना है, अभी ये उतरेगा
राजा ने वो स्पीकर पकड़ा उसके सामने, उसको कहा कि नहीं कैन कंटिन्यू. सो ये होता है कि दैट इज ऑल्सो ह्यूमिलिटी. कि आप ऐसा नहीं है कि आपको ह्यूमिलिटी में सिर्फ ऊपर से पैसे बात करना था, ऑल्सो ह्यूमिलिटी. अभी मैंने इसी बुक में आई थिंक स्वामी नित्यानंद का बुक है, अभी यही बुक मैंने आज तक पढ़ा है रिगार्डिंग टू चिन्मयानंद मिशन. सो इसमें भी स्वामी चिन्मयानंद का कोट है, उन्होंने बताया कि यू मस्ट बी रेडी टू एक्सेप्ट ऑल थिंग्स एज एक्चुअल विद पॉइंटशियर. मतलब हम जितने भी लोगों से मिलते हैं तो अभी ह्यूमिलिटी का विल से कि ह्यूमिलिटी हमें मतलब आज ऐसा नॉर्मली ये है कि आजकल पैसे का काम होता ही नहीं, लोग डांटना ही पड़ता है. ऐसा नॉर्मली हम बोलते हैं घरवाली कमाई बाई हो या फिर ऑफिस में देखा जाए तो बॉस बोलते हैं कि नहीं पैसे तो काम होता ही, डांटना ही नहीं पड़ता है. बट इफ विल से कि आप जब आप किसी गुस्सा करते हो एंग्री और इगोइस्ट, सबसे पहला नुकसान आपको खुद होता है उसका, बाद में किसी और पे उसका इम्पैक्ट होता है. सो इफ यू गेट ह्यूमिलिटी इन यू, इट विल बी बेनिफिट फॉर फर्स्ट यू एंड देन फॉर अदर्स आल्सो. सो जैसे स्वामी चिन्मयानंद, यू मस्ट बी रेडी टू एक्सेप्ट ऑल थिंग एज नेचुरल विद क्वाइट चेयर. ओके, और दूसरा उनका ही एक है कि जैसे की साइलेंटली हियर एवरीवन, एक्सेप्ट व्हाट इज गुड, रिजेक्ट एंड फॉरगेट टू रिमेंबर व्हाट इज बैड. This is the way to live intelligently in life. मतलब अगर humility हम अपने अंदर लाते हैं तो you will get benefit step to step. अगर आप जैसे अभी सर ने कहा कि household का job हो या कोई भी job हो, you have to मतलब challenges हर जगह पे होते हैं. So अगर जैसे अब मेरी काम वाली पाई नहीं है, अगर मैं उसको चिल्ला दूँ तो दूसरे को काम छोड़ देगी. एक दूसरे दिन आते हैं उसे बात करती हूँ, उससे पूछती हूँ कि उसका प्रॉब्लम क्या है क्या, तो अगर नेक्स्ट डे वो भी बहुत ज़्यादा काम करके भी चली जाएगी. सो इन ह्यूमिलिटी कैन हेल्प यू से स्टेप टू टेप. देन अगर और इसके बाद में दूसरी स्टोरी भी है कि जब एक अंधा एक ट्री के नीचे बैठा था, एक अंधा इंसान, और वहाँ से उसको कोई किसी की भागने की आवाज़ आई. तो जब वो भागने की आवाज़ आने के बाद में और एक इंसान उसके पीछे भागा, तो उसने उससे पूछा कि ए अंधे, आपने किसी को या फिर भागने की आवाज़ सुनी? तो वो कहा कि हाँ मैंने सुनी. वो चला गया. बाद में दो लोग और आए और वो उसके पीछे भागने लगे, और वो उन्होंने अंधे को अंधे इंसान से पूछा कि बाबा जी आपने किसी को देखा यहाँ पे, किसी को देखा आपको? दिखता तो नहीं है लेकिन आवाज़ तो सुनी होगी. तो वो कहा हाँ मैंने आवाज़ सुनी, दो लोग गए यहाँ से. फिर एक तीसरा इंसान आया और उसने उस अंधे इंसान से पूछा कि बाबा जी पहले उनकी खैरियत पूछी कि बाबा जी पैसे अच्छे हो ना, ठीक हो, आपको दिखता नहीं है लेकिन आप मैनेज कर सकते हो ना. ओके, फिर उनसे पूछा कि आपने किसी की जाने की आवाज़ सुनी यहाँ से? तो वो अंधे इंसान ने कहा, फिर वो अंधे इंसान ने उनसे कहा कि हाँ, एक पहले चोर भागा, उसके पीछे आपके दो सिपाही, उसके पीछे आपका सेनापति गया, और अब राजा आ पाए. तो वो राजा ने कहा कि आप तो देख नहीं सकते, फिर आपको कैसे पता चला कि वो पहला था वो चोर था वो दूसरे सिपाही के अंदर? तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो जो बात करने का उनका तरीका था उसका से मुझे पता चला कि जो पहले भागा वो चोरी था, क्योंकि उसने कुछ गलत किया था तो इसलिए वो हड़बड़ी में भाग गया था. लेकिन दूसरे जो थे उनका बात करने का जो तरीका था उससे लग रहा था कि वो आपके सिपाही होंगे. दूसरा जो आपका सेनापति था उसके भी उसमें प्राउड फॉल्स प्राइड था कि मैं एक, लेकिन जो वेट होता है महान हो वही राजा हो सकता है. तो आपकी जो बात करने का तरीका है उससे मुझे पता चला कि किंग ऑफ दिस किंगडम. सो ह्यूमिलिटी, और जैसे हम कहते हैं कि अगर किसी इंसान के पास नॉलेज है और नॉलेज भी पूरा नहीं है, थोड़ा ही है, आपको भी इवन जैसे कभी घड़ा पानी से पूरा भरा है तो वो नहीं हिलेगा, लेकिन आधा भरा है तो ज़्यादा हिल करेगा, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वाटर नीचे वो हिलेगा नहीं जाए, हिलेगा नहीं जाएगा.
आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ बनने का है, मतलब यू हैव टू कल्टीवेट ह्यूमिलिटी इन यू. तो आप क्या कर सकते हो, तो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू चूज द स्पिरिचुअल पाथ एक्चुअली. क्योंकि जब आप यहाँ पे आते हो इसी ऐसे जगह पे, तो अपने आप अपने मतलब आ जाती कैन गो. मतलब नॉर्मली ऐसा होता है, बचपन में मैंने एक सेंटेंस हमेशा सुना था कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना मुर्दों की पहचान होती है. तो झुकता मीन्स नॉट लाइक दैट कि आपकी कोई गलती नहीं है फिर भी आप किसी के सामने किसी के डरो. इट्स नॉट लाइक कि फियर आपके मन में, जैसे आप कहते हैं ना कि भीति युक्त आदर गुणाचा करण्यापेक्षा आदरयुक्त भीति असावी, म्हणजे आदरयुक्त भीति असावी. जैसे हम किसी एक टीचर को डरते इसलिए उनका रिस्पेक्ट करते, ऐसा नहीं. अगर हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं इसलिए उनसे डरना चाहिए. तो जस्ट लाइक दैट कि आप आपके इसमें आपको अगर आप विल डिसाइड कि आपको जो भी मतलब लाइफ में आपको करना है, यू हैव टू स्टार्ट एनीथिंग इन योर लाइफ, यू विल फर्स्ट थिंग यू हैव टू नॉलेज ऑफ दैट थिंग. बट कोई भी काम करने के लिए आपके आप में अगर वो नम्रता नहीं है, जैसे अभी आपने देखा होगा कि नॉर्मली कंपनीज में एग्जीक्यूटिव चेकअप होता है, वर्कर्स का चेकअप नहीं होता, एग्जीक्यूटिव चेकअप होता है. तो एग्जीक्यूटिव चेकअप क्यों होता है, क्योंकि उनके उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा रहती है. तो डैट भी उनको हमेशा उनसे जूनियर लोगों पर हमेशा चिल्लाना वगैरह, तो ये उनमें ज़्यादा होते हैं, इसीलिए उनको उनका उनको टेंशन ज़्यादा रहती है. फिर दे ब्लेम द मेट इन देयर बिहेवियर, दे विल फाइंड अ चेंज इन दैट. मतलब जो भी उनको रिजल्ट मिलेगा उनको भी उनमें भी उनको चेंज दिखेगा. जैसे अभी आई यूज द वर्ड की ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. फर्स्ट आई हैव टू लिटिल बिट एक्सप्लेन दैट कि चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन में थोड़ा डिफरेंस है. जैसे कि अगर एक कोई बच्चा थोड़ा जिद्दी है घर पे, ओके, और इस मम्मी की पापा की डांट हो या फिर अभी नहीं है लाड ऐसे बिगड़ गया है लेकिन अभी उसको नहीं, अभी इसको चेंज करना चाहिए, तो उसको डांट फटकार के मार के उसको शांत कर दिए. अभी वो उसके बिहेवियर में चेंज तो हो गया है कि वो चिढ़ता नहीं है, शांत हो गया, लेकिन इट्स नॉट ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली, इट्स चेंज कि वो शांत हो गया, लेकिन उसमें वो बाहर से शांत हो गया, नॉट इंटरनली. सो वी नीड इनर ट्रांसफॉर्मेशन. सो ये चेंज हो गया, बट इनर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अगर हम जैसे कि मैं एक आपको एग्जाम्पल भी दे रहा, तो मेरी एक सहेली थी, उसकी बेटी वो ऐसे ही जिद्दी थी और एक करती थी, तो जिद्दी थी तो उसका वो जिद्दी थी, वो ये उसे मारती थी, वो और चिल्लाती थी, ये और मारती थी, मतलब ऐसा हमेशा उनका चलता रहता था. सो शी टोल्ड मी दैट कि ऐसा हमेशा होता है, ये तो लड़की है, इसको दूसरे के घर जाना है, उसका इसने ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके. सो नॉर्मल लड़की तो होती ही है क्योंकि लड़की, तो मैंने उसे कहा तुम एक एक्सपेरिमेंट करके देखो कि जब भी वो चिल्लाए ना उसे पैर से बात करके देखोगे, ओके, जब आप पैर से बात करके देखो क्या होता है देखो. तो उसने वो एक्सपेरिमेंट किया, जब वो चिल्लाने लगी तो जितने भी ज़्यादा जोर से वो चिल्लाने की वो उतना ही शांत रहती थी. आफ्टर 20 मिनट्स वो उनका चला, उसके बाद उसको ध्यान में आया कि वो अपने आप शांत हो गई, और फार बाद में वो हर बार ये स्पीक यूज करती थी. तो वो उसको तब पता चला कि अरे नहीं, कितने सालों से मैं ये कर रही थी, अगर मैंने पहले से उसे प्यार से बात की होती, ओके, तो ऐसा नहीं होता ना एक्चुअली. इफ यू हैव टू यू इम्पैक्ट ऑन एनिमल्स लाइफ, जो भी लोग मतलब पेरेंट्स टीचर्स और जो भी बड़े प्रोफेशन में काम करते हो उनका इम्पैक्ट ज़्यादा रहता है इन स्कूलों. जैसे पेरेंट्स का इम्पैक्ट बच्चों पे रहता है, टीचर्स का इम्पैक्ट स्टूडेंट्स पे रहता है, बड़े कंपनियों में काम करने वाले बड़े लोगों का इम्पैक्ट उनके जूनियर्स पे रहता है. तो उन लोगों में ह्यूमिलिटी ज़रूर लानी चाहिए, क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना कि टीचर को बहुत से कॉपी, पेरेंट्स को बच्चे कॉपी करते, टीचर्स को स्टूडेंट कॉपी करते, तो उनमें तो ये ह्यूमिलिटी होनी ही चाहिए एक्चुअली. सो वही गीता में बताया है कि आप अगर आपको यू हैव टू डेवलप योर नॉलेज एंड यू हैव टू प्रोग्रेस, सो ह्यूमिलिटी इज द फर्स्ट क्वालिटी दैट यू हैव टू डेवलप इन योर सेल्फ, ओके. सो जैसे कि मैंने कहा कि ह्यूमिलिटी कैन हेल्प यू इन एवरी फील्ड. अभी दिन की शुरुआत होती है, जैसे मैंने कहा संडे मॉर्निंग कार वॉशिंग वाला नहीं आया, तो हस्बैंड चिल्लाते हैं, मैं उनके चिल्लाया तो दिन की शुरुआत कैसे होगी. तो अगर मैं उसे प्यार से बात करती हूँ ठीक है वो नहीं आया, उसको कुछ
बदल होगा, ठीक है हम आज हम बोले तो वो भी शांत हो जाएगी। तो दिन से लेकर सुबह से लेकर रात तक हम वी कैन यूज एवरी टाइम दिस। आई नो कि इतना इजी नहीं है बोलने में जितना है, क्योंकि जब टाइम आता है तो हम सडनली रिएक्ट हो जाते हैं। ओके सो इफ यू प्रैक्टिस इट यू कैन कल्टिवेटिंग योरसेल्फ इन योर एंड दैट कैन बी अ बिग रियली ट्रांसफॉर्म इनर ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि जब हम कहते हैं कि जब जैसे अभी कोई आता है मेहमान आए घर पे और हमने उनको उनका वेलकम किया, उनको खाना खिलाया अच्छा जाते थे, छोटा सा गिफ्ट भी दिया और बाद में हाँ मैंने तो उनका अच्छे से स्वागत किया, उनको बहुत सारे पकवान बनाए और जाते थे, छोटा सा गिफ्ट दिया है, वो आई वाज परफेक्ट, मतलब जो भी मेरा बिहेवियर था एकदम परफेक्ट था। लेकिन वो बाहर नॉट नेसेसरी कि वो अंदर से होगा, क्योंकि हम बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे फॉल्स ईगो, कि हमें हमेशा झूठा प्राइड, झूठी शान की हमेशा नॉर्मल हम वी एक्सपेक्ट इनर कि नहीं होना चाहिए, अगर मैंने किसी के लिए किया ना तो मेरे लिए भी किसी ने करना चाहिए। ओके जैसे हम आजकल हम होता है कि शादियों में जाते हैं तो किसी की शादी में जाना तो पहले देखते हैं कि वो लोग वो जब आए थे हमारे घर में तो उन्होंने कितने का कवर दिया था, हम देखते हैं बल्कि नाम लिखते लिस्ट बना के लिखते हैं, अरे क्या वो उन्होंने दिया नहीं दिया तो दिया, मुझे देना है तो मुझे देना चाहिए ना। सो हम एवरी बात में हम ऐसा सोचते हैं कि नहीं उन्होंने कितना किया था ना उतना ही हम करेंगे, उन्होंने ऐसा किया था ना वैसा ही नहीं करेंगे। सपोज अभी यहाँ मैं नहीं हूँ पहली बात फर्स्ट टाइम आई गई, सो आई नो, तो जितने भी लोगों से मिले मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि किसी ने, नॉर्मली ऐसा होता है कि हम किसी को मिलते हैं और वो जानते भी हैं हमें लेकिन वो देखते उधर मुँह कर लेते हैं, सोचा है उन्होंने मुझसे बात नहीं की, ऐसा बात किया तो दिन भर वो दिमाग में चलता ही रहता है और ऊपर से ये भी इन्होंने ऐसा भी हो गया था नेक्स्ट टाइम आई भी मुझे क्या करना है उनको नहीं बात करना तो मैं भी नहीं करूँगी, बट इफ आई से कि ओके उन्होंने बात नहीं की उन्होंने मुँह उधर किया आई विल गो देयर एंड आई विल से गुड मॉर्निंग और व्हाट एवर आई हैव टू से और डेफिनेटली दे विल टॉक इट यू रिलेटिव बिकॉज इट चेंज। आप अगर वो देखोगे तो सच में होता है इम्पैक्ट होता है, मे बी फर्स्ट टाइम ये होगा जैसे किसी नॉर्मली हम देखते हैं फ्रेंड्स लोगों में भी और लेडीज में भी ज़्यादा जेलसी वगैरह ये रहता है तो साथ में रहते हैं फिरते हैं घूमते खाते हैं लेकिन कुछ जेलसी होता है अंदर से कुछ होता है चलता ही रहता है दिमाग में ये ऐसी है वो ऐसी है ऐसी। अगर हम रियली स्टार्ट की थिंकिंग कि ओके जो वो जैसी है वो जैसा है वैसा है लेकिन मैं अगर उनसे पास से बात करती हूँ तो डेफिनेटली उनके अंदर इनर ट्रांसफॉर्म होता है कि ना यार ये तो ऐसा ये तो मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचती मैं सोचती हूँ लेकिन सो इफ यू डिसाइड कि उनको जो भी करना है वो करे मेरा जो काम है वो मैं करूँगी कि आई हैव टू डेवलप ह्यूमिलिटी इन माय सेल्फ देन यू विल डेफिनेटली सी द चेंज इन योर लाइफ। सो आई फाउंड दैट कि जो जो हमने अभी देखा है हिस्ट्री में भी कि जो वॉर हुए तो वो वॉर का कारण हमेशा यही रहता था कि हमारे इसमें का कोई इंसान जैसे मुगलों से मिला हुआ है जैसे मराठा हिस्ट्री में हमने देखा कि मुगलों तो दैट इज बिकॉज ऑफ क्या बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ ह्यूमिलिटी कि भाई के भक्ति भाई को प्रेम नहीं था सच्चा और उनको जैसे मुगलों ने आमिश दिया था जैसे अंग्रेजों से भी हमारे कुछ लोग मिले थे उसकी वजह से इंडिया के ब्रिटिश लोगों ने राज्य किया तो वो भी क्या था जो लोग उनसे मिले और जो भी जिन्होंने हमारे देश के साथ राष्ट्र के साथ गद्दारी की तो वो बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ ह्यूमिलिटी क्योंकि अगर उनके अंदर सच्ची ह्यूमिलिटी होती तो ये होता ही नहीं था वो कभी भी अपने देश के साथ या अपने राष्ट्र के साथ गद्दारी करने का सोचते ही नहीं। सो मे बी दैट बी द रीज़न कि जो नुकसान या कुछ होता है जैसे कि अभी राजनीत जी कहा कि माइंडफुलनेस अगर आपको शांत रहना है यू हैव टू डेफिनेटली कल्टिवेट ह्यूमिलिटी इन योर लाइफ उसके बगैर हो ही नहीं सकता शांत रहना, मल्टी टास्किंग मे बी नॉट पॉसिबल बट अगर आपको इन एवरी सिचुएशन शांत रहना है तो आपको जैसे कि अभी कल का मैं एग्जाम्पल देना चाहती कि हमें परसों नहीं आ सके तो कल हमें सुबह आना था तो हमारी जो गाड़ी थी उनके एक फ्रेंड लेके गए उनको चाहिए थी उनको जाना था सोलह देव दर्शन के लिए सब तो वो लेके गए। अब मेरे हस्बैंड कहा था कि आई विल बुक कैब फॉर यू और सुबह जब वो बैग बुक करने लगे वो सो ही नहीं रहा था और मेरा मैम का स्पीच था अभी मैंने उनसे कहा कि मैंने उनको कहा कि वो हमारे साथ आने वाले तो उनका स्पीच है अभी हमें पहुँचना तो है 6 बजे तक
स्टार्टेड की अभी उनको लगा कि मेरी गलती की वजह से हुआ. तो एक्चुअली उन्होंने वो कार लेके गए, उनका उनकी सीट वो हमें हमारे यहाँ छोड़ के गए. लेकिन मैं आपको कहती हूँ कि जब आप अंदर से कुछ करना चाहते हैं तो आप गॉड विल हेल्प यू. क्योंकि जब उन्होंने गाड़ी की डिमांड की थी कि हमारी स्कोडा से सर्विसिंग के लिए गई है और जो लोग जितने लोग जाने वाले हैं हमारी फिगो में नहीं बैठे, उन्होंने एक फिगो कार दी है तो उसमें नहीं बैठे, तो आपकी होंडा से भी चाहिए. तो होंडा से उनका ड्राइवर आया और उसने वो कार वो फिगो मतलब वो आधे घंटे पहले से हो चुकी थी, लेकिन उनको लगा कि अभी मुझे मेरा बेटा घर पे था तो उसको छोड़ के मैं कैसे आ सकता हूँ, छोटे में मुझे मतलब मुझे आना पड़ेगा. तो ठीक है कि अभी क्या होगा, कार बुक नहीं हो रहा है, जस्ट रिलैक्स, अभी जो होगा देखा जाएगा, भगवान भरोसे छोड़ दूँगी जो भी होगा. तो बाद में मेरा बेटा सोया था, देन वी डिसाइडेड टू लॉक हिम इनसाइड एंड देन वी पुट द कीज एंड ओके ये बाद में बीच बीच में उसके बाद फोन आ रहे थे कि मम्मी मेरे को छोड़ के गए सब. सो अगर वहाँ पे अगर मैं उनकी चिड़की या हो जाता तो वो ये सब मतलब क्या होता था कि मेरा भी उतना ही चिड़की क्योंकि अभी जाना ही नहीं है, उनका भी ये मिस हो जाता था. जस्ट रिलैक्स एंड और बाद में मैंने वो बीच बीच में उनके फ़ोन आ रहे थे, मैंने उनसे भी कहा कि नहीं आप उसके चीज़ों में आप देखना क्वेश्चन है, राइट क्वेश्चन है.
कॉफी कौन लेता है? Jesus.